उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बांधी है मुख्यमंत्री को राखी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को राखी बांधी है दिया कुमारी ने। मुख्यमंत्री आवास पर वो पहुंची। मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को राखी बांधी है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री का मुंह मीठा भी कराया। मुख्यमंत्री का मिठाई खिलाकर मुंह मीठा दिया कुमारी ने कराया। मुख्यमंत्री भजनलाल ने भी अपनी बहन दिया कुमारी को भेंट दी। क्या आम क्या खास, हर कोई रक्षाबंधन का पर्व मनाता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी कड़ी में ये तस्वीर बहुत खास। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को डिप्टी सीएम दिया कुमारी राखी बांधने के लिए उनके आवास पर पहुंची, तिलक लगाया माथे पर, मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया और साथ ही साथ हाथ में रक्षा सूत्र भी बांधा। ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, छोटी छोटी बच्चियां भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को राखी बांधने के लिए पहुंची। सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, वाकई में ये तस्वीर बहुत खास हो जाती है। एक तरफ छोटी बच्चियों ने मुख्यमंत्री के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा तो वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी पहुंची, तिलक लगाया और राखी भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बांधी। देखिए, आम से लेकर खास सभी लोग पहुंचे हैं। दो अलग अलग तस्वीरें हैं, दो अलग अलग समय में पहुंचे हैं और दोनों ही अलग अलग तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज पहुंचा रहा है। पहली खबर मैं बता दूं कि बच्चियां और महिलाएं आज बड़ी संख्या में पहुंची थी। आम महिलाएं और बेटियां पहुंची थी, लगभग 300 की संख्या में आम महिलाएं पहुंची जिन्होंने मुख्यमंत्री को राखी बांधी। और सांगानेरी नहीं, विभिन्न क्षेत्रों से आई। तो दूसरी तरफ, दूसरी जो खबर है उसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो है वो मुख्यमंत्री को राखी बांधी है। और दिया कुमारी क्योंकि सूबे की उप मुख्यमंत्री है, लेकिन पार्टी में भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है वो विचार परिवार के सिद्धांतों पर काम करती है। आरएसएस विचार परिवार में भाई और बहन का विशेष बात कही जाती है, तो उसी विचार परिवार के लिहाज से देखा जाए तो ये तस्वीर बड़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि सियासी गॉसिप्स कई तरीके की चलती है, कई बातें चलती है, लेकिन वो तमाम बातें इस तस्वीर से दरकिनार हो जाती है। जब ये तस्वीर सामने है तो तमाम चीजें भी दरकिनार हैं। इस तस्वीर से अपने आप में कई मायने निकलते हैं, क्योंकि राजनीति में कई तरीके की बातें कह दी जाती है, कई उतार चढ़ावों को लेकर बातें जोड़ दी जाती है, लेकिन ये तस्वीर अपने आप में एक मैसेज दे रही है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों एक हैं। तो इस तरीके का मैसेज देती हुई ये तस्वीर प्रतीत हो रही है और ये फर्स्ट इंडिया टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले तस्वीर और सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर जिसकी सभी को प्रतीक्षा भी थी कि ऐसी कोई तस्वीर आएगी। ठीक है ऐश्वर्य, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।